जोधपुर के सेशन कोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आशाराम की न्यायिक अभिरक्षा 6 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। जोधपुर पुलिस ने प्रकरण में चार्जशीट पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने आशाराम की न्यायिक अभिरक्षा 6 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। पहले कहा जा रहा था कि पुलिस शनिवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर देगी, लेकिन जांच अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि चार्जशीट तैयार करने में उन्हें और समय लगेगा। उन्होंने 9 नवंबर को चार्जशीट पेश करने की बात कही, लेकिन आशाराम के वकीलों ने इसका विरोध किया। इस पर कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा 6 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी। छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल के निदेशक शरद चंद्र, छात्रावास वार्डन शिल्पी उफ संचिता गुप्ता, मुख्य सेवादार शिवा तथा रसोइये प्रकाश को भी कोर्ट में पेश किया गया। इनकी न्यायिक अभिरक्षा भी 6 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। खबर दी गई थी कि आज चालान पेश कर देंगे, उसके बावजूद भी आज इन्होंने चालान पेश नहीं किया है। हमने इसके लिए शॉर्ट डेट सीख की थी कि 6 तारीख को रखा जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसका अपोज किया कि 6 तारीख को संभावना है कि हम पेश नहीं कर पाए। हमारे रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने वापस 6 तारीख रखी है, 6 तारीख को नेक्स्ट पेश ही रहेगी, सभी को पेश किया जाएगा। कोर्ट में एक्यूज आशाराम, उनके जो रेस्ट एक्यूज है, उन सबको ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया गया। इस पर आईयू ने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये जाहिर किया कि अभी अनुसंधान में कुछ समय लगने की संभावना है, इसलिए आज आरोप पत्र या नतीजा पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए, लॉ में जो नियत समय है उस समय के अभी क्योंकि अंदर ही वो पूरा 90 डेज के अंदर अंदर चार्जशीट पेश करना होता है, तो अभी 90 डेज हुए नहीं। उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आगामी तारीख पेशी जो है वो 6 तारीख नियत की है। उस दिन एक्यूज आशाराम और अरेस्ट एक्यूज को भी पेश किया जाएगा और उम्मीद है अनुसंधान अधिकारी अपना नतीजा भी पेश करेंगे। कल एक दिन का टाइम मांगा, फिर आज का नहीं कर पाएंगे, ये पार्ट एक्चुअली एज पर द लॉ 90 डेज का प्रोविजन है, तो 90 डेज के अंदर इनका जो आशय था आईओ का वो नो डाउट चार्जशीट पेश करने का ही था, बट अनुसंधान के अंदर अभी समय जो लॉ में नियत समय है 90 डेज वो भी पूरे नहीं हुए हैं और अनुसंधान अभी बाकी है, तो ऐसे में क्या रीज़न रहा वो तो आईयू ही बता पाएंगे, बट जो भी रीज़न रहा उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करते हुए और आईयू को समय दिया है, इसलिए वो न्याय यथार्थ जो भी समय दिया गया है वो बिल्कुल